अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आकिब एंड आई एम अ फ्रीलांस वेब डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी स्किल्स एंड विदाउट एनी मनी। सो ऑनलाइन आप वेब होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पर एक वेबसाइट ओपन नज़र आ रही है, आपने इस लिंक पर जाना है। ठीक है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपने वहाँ से जाएँ और इस वेबसाइट पर आएँ और एज अ रीसेलर अकाउंट अपना क्रिएट करें। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करें। और यहाँ से आप अपनी इंफॉर्मेशन दे के साइन अप कर लें। ठीक है, सो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, वो मैं ओपन करता हूँ। सो ये मेरा रीसेलर पैनल है, मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ। ठीक है, आपने जाना है कहाँ पर, क्रिएट ए न्यू स्टोर। लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा क्रिएट ए न्यू स्टोर। ठीक है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप अपने स्टोर का नाम दें। मैं रख देता हूँ टेस्ट स्टोर, सेम लाइक टेस्ट स्टोर। आई एम सम रैंडम नेम, ओके रैंडम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, व्हाट अबाउट दिस, दिस इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, लेट्स ट्राई दिस एंड दिस। ओके, नाउ क्लिक ऑन दिस। एंड अगर आप अपनी कोई कस्टम डोमेन देना चाह रहे हैं या स्टोर से लिंक करना चाह रहे हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। बट अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको ब्लैंक रहने देंगे, फिर इस जो है रीसेलर पैनल, इनकी तरफ से आपको एक सब डोमेन मिलेगी, आपका स्टोर उस डोमेन पे होगा। ठीक है, सो क्रिएट स्टोर पे क्लिक करें और क्लोज करें। सही, देखें यहाँ पे मेरे तीन स्टोर हैं, सब ओपन हो गए। ठीक है, मैं इसको क्लिक करता हूँ और विजिट स्टोर। ये ओपन हो रहा है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इन जस्ट वन क्लिक, वन टू थ्री क्लिक्स, मेरा स्टोर ऑनलाइन हो गया। ठीक है, मेरा स्टोर बन गया। ठीक है, अब इस वेबसाइट से जो भी क्लाइंट आएगा, जो भी यूज़र आएगा, अगर वो डोमेन परचेज करता है या वो होस्टिंग परचेज करता है, कुछ भी, ठीक है, उसका आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अब देखें ना, यहाँ पे प्राइजेस लिस्ट होगी। ठीक है, मैं जाता हूँ VPS पर। ठीक है, लेट्स सपोज मैं VPS पर जाती हूँ। देखें प्राइस, ये प्राइसेस लिस्ट हैं। ठीक है, इनमें से आपको भी कमीशन मिलेगा। अब आप इन कमीशन को आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप कस्टमाइज़ कैसे करेंगे अपने स्टोर को, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने जाना है अपने स्टोर पर। ठीक है, यहाँ से आपने लॉगिन होना है अपने एडमिन एरिया में। ठीक है, वेयर इज एडमिन एरिया, सो हियर यू कैन सी लॉग इन टू स्टोर मास्टर एडमिन एरिया, क्लिक हेयर। सो आप अपने स्टोर के जो है ना फ्रंट एंड, उस पर लॉग इन हो जाएंगे। आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं सब चीज़ों को। यहाँ से आप मेटा डेटा इनका चेंज कर सकते हैं, आप पेजेस और ऐड कर सकते हैं, कस्टमाइज टेम्पलेट कर सकते हैं आप, मींस के पूरी सेटिंग्स यहाँ पर अवेलेबल है। आप यहाँ से हर चीज़ को चेंज कर सकते हैं। सो पेमेंट्स निकलवाने का क्या तरीका है यहाँ से, यहाँ सबसे पहले तो आप अपने अपनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी होगी अपनी सेटिंग में जाकर। ठीक है, और अपनी बैंक डिटेल देंगे, सब कुछ देंगे। ठीक है, तो फिर वो पेमेंट तो आपको मिलेंगी जब क्लाइंट पे करेगा। उसके 30 डेज़ बाद जो भी पेमेंट होगी वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगी, अगर आपने अकाउंट अपना अटैच किया हुआ है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।